नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज है 19 नवंबर 2019। आप देखेंगे यहाँ पर 20+ में दोस्तों करेंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, हाल ही में जारी टैप वाटर रैंकिंग में कौन सा शहर दोस्तों शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन, तो हाल ही में किस देश के फुटबॉलर, इनका नाम है डेविड विला, ने फुटबॉल से संन्यास लिया दोस्तों। तो स्पेन के फुटबॉलर है। क्या बोल रहा है, किस देश के फुटबॉलर, डेविड विला, इनका नाम याद रखिएगा, जो है स्पेन देश के फुटबॉलर है, इन्होंने संन्यास लिया है फुटबॉल से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में अग्नि 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है। ओडिशा में दोस्तों सफलतापूर्वक जो परीक्षण शुरू हुआ है ये कहां पर, ओडिशा में दोस्तों, मिसाइल जो है अग्नि 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है। 17 नवंबर को दोस्तों, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, याद रखिएगा, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में जारी ड्राइविंग सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर दोस्तों शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों मुंबई शहर शीर्ष पर रहा है ड्राइविंग सिटीज इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में 63वीं शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है, नई दिल्ली में शुरू हुई है। क्या बोल रहे हैं, हाल ही में 63वीं शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता दोस्तों कहाँ शुरू हुई है, नई दिल्ली में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में किस राज्य ने 2020 यानी 2020 से दोस्तों प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। दूसरी बार मैं इसको ले रहा हूँ, कल भी मैंने इसको डिस्कस किया था, गोवा के दोस्तों, गोवा जो राज्य है ये क्या कह रहा है कि 2020 मतलब 2020 तक ये क्या कह रहे हैं कि प्लास्टिक के जो बोतल है इन पर प्रतिबंध हम लगाएंगे, ठीक है, घोषणा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में 6ठी ASEN, ठीक है, रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो एसीन बोल सकते हैं आप। तो दोस्तों ये जो बैठक शुरू हुई है ये कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों, ये आपकी बैंकॉक में आयोजित की गई है, रक्षा मंत्रियों की बैठक है ये 6ठी, ठीक है, याद रखिएगा, बैंकॉक में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की। तो दोस्तों दिल्ली राज्य के दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया ये सेप्टिक टैंक सफाई योजना, याद रखिएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में कृषि सांख्यिकी के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों, तो भारत मेजबानी करेगा। कृषि सांख्यिकी की जो है 8वें अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, इंडिया, भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा था, हाल ही में दोस्तों भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। जस्टिस एस के बोबडे जी ने जो है शपथ लिया है 47वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया था, हाल ही में जारी टैप वाटर रैंकिंग में दोस्तों कौन सा शहर दोस्तों शीर्ष पर रहा। ये मुंबई शहर दोस्तों शीर्ष पर रहा है, हाल ही में जारी टैप वाटर जो रैंकिंग है इसमें शीर्ष पर दोस्तों मुंबई रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में दोस्तों शरद कुमार जी ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों, शरद कुमार जी ने जो है सिल्वर मेडल रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में दोस्तों जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दी। तो झारखंड के दोस्तों जो है राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया, इनका नाम क्या है, डॉक्टर रवि रंजन, ठीक है, जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, हाल ही में गोटाबाया राजपक्ष ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों ये चुनाव जीता है या राष्ट्रपति बने हैं, ये भी आप मान सकते हैं। तो श्रीलंका दोस्तों, श्रीलंका राज्य के दोस्तों कौन बना है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति, गोटाबाया, इनका नाम है राजपक्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में रुपए कार्ड ट्रांजेक्शन टारगेट में कौन सा बैंक दोस्तों शीर्ष पर रहा, जम्मू और कश्मीर बैंक दोस्तों क्या रहा, शीर्ष पर रहा है किसमें, रुपए कार्ड ट्रांजेक्शन में दोस्तों, इसके टारगेट को पूरा करने में या टारगेट को पार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ
आर्ट का दोस्तों मानद ट्रस्टी कौन नामित हुआ है, कौन बना है? तो नीता अंबानी जी जो है मानद ट्रस्टी बनी है द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की। याद रखिएगा मानद ट्रस्टी कौन है, नीता अंबानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में न्यायमूर्ति अब्दुल हामिद, याद रखिएगा इनका नाम न्यायमूर्ति अब्दुल हामिद खुरैसी, ठीक है, किस राज्य के हाईकोर्ट के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो त्रिपुरा के, त्रिपुरा के दोस्तों कुरैशी जी। तो दोस्तों आप चाहें तो मात्रा से याद कर सकते हैं, कुरैशी है ना, ये दो मात्रा है और त्र ये हो गया, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं विजुलाइज करके, ठीक है। इनका नाम है न्यायमूर्ति अब्दुल हामिद कुरैशी जी, किस राज्य के दोस्तों? तो त्रिपुरा राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय क्षेत्रीय फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये मॉस्को में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय क्षेत्रीय फोरम कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों ये मॉस्को में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हरमीत देसाई। दोस्तों हरमीत देसाई जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है, हरमीत देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, जो मैंने आप सभी लोगों से कल पूछा था, हाल ही में प्रेस दिवस दोस्तों कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो प्रेस दिवस मनाया गया वो 16 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने इसका आंसर बताया सी 16 नवंबर, उनके नाम इस प्रकार हैं। सही आंसर बताया प्रभा यादव जी ने, अविता कन्वर जी ने, अंग्रेज सिंह जी ने, फुलेंद्र कुमार, सूरज शुक्ला जी ने, अरुण कुमार सागर जी ने, इन सभी 6 लोगों ने सही आंसर यानी कि 16 नवंबर बताया है। अब चलिए दोस्तों आज का प्रश्न देखते हैं कौन कौन लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो आज का जो प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी ड्राइविंग सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर दोस्तों शीर्ष पर रहा? कल के वीडियो में भी आपने देखा, आज के वीडियो में भी, करंट अफेयर में आपने देखा, आपको बताना है कि हाल ही में जारी ड्राइविंग सिटीज इंडेक्स में दोस्तों कौन सा शहर दोस्तों शीर्ष पर रहा है? मुंबई, दुबई, ओटावा या इनमें से कोई नहीं? लिख करके दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए दोस्तों, आज था 19 नवंबर 2019 और आपने देखा 20+ यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने देखो सीखो स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहे। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।